मित्रों कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद ही सरल है। आप भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा के साथ मात्र एक लोटा जल अर्पित करके भी प्रसन्न कर सकते हैं। किंतु मित्रों भगवान भोलेनाथ जितने ही सरल स्वभाव के हैं वे उतने ही अधिक क्रोधी स्वभाव के भी हैं, इसलिए देवी देवता भी उनकी पूजा अर्चना बड़ी ही सावधानी पूर्वक करते हैं। मित्रों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बेहद पसंद है, किंतु मित्रों शायद ही आपको जानकारी होगी कि बेलपत्र को तोड़ने और अर्पित करने के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है, अन्यथा भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मित्रों बेलपत्र की पत्ती और फल दोनों को ही भगवान शिव पे अर्पित किया जाता है। बेलपत्र की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि यह कभी भी बासी नहीं होता। मित्रों स्कंद पुराण में कहा गया है कि अर्पिता न्यापि बल्लवानी प्रयच्छलपि पुनः पुनः शंकरायार्पणियानि न नवानि यदि क्वचित। इसका अर्थ है भोलेनाथ पर अर्पित किए हुए बेलपत्रों को आप पुनः धोकर फिर से भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ पर बेलपत्र की तीन पत्तियों का समूह ही अर्पित किया जाता है, तीन से कम पत्तियों के समूह को भगवान भोलेनाथ पर अर्पित नहीं किया जाता। महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित किया जाता है, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। शिवलिंग पर अर्पित किए जाने वाला बेलपत्र कटा फटा अथवा उसमें छेद नहीं होना चाहिए। यदि आप भगवान भोलेनाथ से किसी विशेष कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखें और दाएं हाथ की अनामिका और अंगूठे के माध्यम से शिवलिंग पर अर्पित करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र को अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र च त्रिधानुतम त्रिजन्मम पाप संहारम बेलपत्रम शिव अर्पणम। मित्रों बेलपत्र को चतुर्थी अष्टमी नवमी चतुर्थी अमावस्या और संक्रांति को नहीं तोड़ा जाता। मित्रों बेलपत्र को तोड़ते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अमृतो द्रव्य श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा ग्रहामि त्वा पत्राणि शिव पूजार्थ माधुरात। मित्रों इसका भावार्थ है अमृत से उत्पन्न सौंदर्य और ऐश्वर्यपूर्ण वृक्ष महादेव को हमेशा प्रिय है, भगवान शिव की पूजा के लिए हे वृक्ष मैं तुम्हारे पत्र को तोड़ता हूँ। मित्रों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय।